स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग द लेसन लिटिल चिल्ड्रेन वाइजर देन मेन बाय लियो टॉल्स्टॉय इन स्टैंडर्ड 6. एज वी नो देयर आर टू प्रोटैगोनिस्ट्स नेम्ड अकुल्या एंड मलाशिया, और वो जो है ईस्टर का त्योहार मना के ईस्टर की प्रेयर करके जब लौटते हैं दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, और उसके बाद में अचानक से उन्हीं की बातों से जो है, जो मलाशिया थोड़ी शरारती होने की वजह से पडल में जो है जब पैर डालती है, और उसके पैर डालने के बाद में उस पडल में का जो गंदा पानी है अकुल्या के ड्रेस पर गिर जाता है, और अकुल्या के ड्रेस पर वो पानी गिरने के बाद में उसकी जो मम्मी है वो आती है, अकुल्या को डांटती है, और अकुल्या जब बताती है कि ये मेरे वजह से नहीं बल्कि मलाशिया की वजह से हुआ, तो अकुल्या की मम्मी मलाशिया विश करती है एक तरीके से, और उसके बाद में मलाशिया की मम्मी को जब ये दिखता है कि अकुल्या की मम्मी उसकी बेटी को मतलब मलाशिया को मार रही है, तो वो कारण पूछती है, और उसके बाद में उन दोनों का मतलब अकुल्या की मम्मी और मलाशिया की मम्मी का झगड़ा वायरल जो है वो स्टार्ट होता है, और उसके बाद में वहां पे जो पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो वो झगड़ा देखने के लिए, वायरल देखने के लिए, और तभी एक ओल्ड लेडी उनका झगड़ा मिटाने के लिए आती है, और वो बताती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये मूर्खतापूर्ण काम आज कर रहे हो, जो कि आज का दिन खुशियां मनाने का दिन है। उसके आगे की जो स्टोरी है वो हम कंटिन्यू करने वाले थे आज, सो यू जस्ट हैव टू ओपन पेज नंबर 12 एंड नाउ सी। Meanwhile, Akulya quietly went back to the puddle. She took a chip of wood and began to dig away the earth in front of the puddle. This created a channel through which the water could run into the street. Soon, both friends were busy digging the channel with chips of wood. अब जब वो दोनों का झगड़ा हो गया, मतलब दोनों की मम्मियों का झगड़ा शुरू हुआ, इसके अकुल्या की मम्मी और मलाशिया की मम्मी का, और उसके झगड़े के वक्त ही अच्छा अभी ये जो दोनों लड़के हैं जिनके वजह से एक्चुअल में झगड़ा, जो मेन जो क्या बोलेंगे कारण जिन पर से ये झगड़ा स्टार्ट हुआ अकुल्या और मलाशिया, वो दोनों तभी वहां से निकल जाते हैं। अकुल्या वहां से चुपचाप पडल के पास आती है, वहां से जो चीप है, चीप मतलब एक पीस ऑफ वुड बोलना पड़ेगा, जैसे कि लकड़ी की है, छोटी सी पतली सी लकड़ी लेती है, और उससे जो जमीन को मतलब पडल के सामने उस गंदे नाली का वो जो डबका था जहाँ पे पानी जमा हुआ था, तो वो जो पडल है उस पडल के सामने से वो जो है जमीन पर कूदना शुरू करती है उस चीप से, तो उसके बाद में जब आप वो जो पानी है, पानी बहने के लिए रास्ता बन जाता है, चैनल बन जाता है, छोटा सा चैनल मतलब हम बोल सकते हैं नाला, और बहुत बड़ा नाला नहीं पर पानी बहने के लिए जो एक छोटा सा रास्ता है उस तरीके का रास्ता बन जाता है, तो वो रास्ता जब बनता है तो ऑब्वियसली फिर वो जो पानी है जो उस पडल में उस गड्ढे में जमा हुआ है वो पानी को रास्ते पर आने के लिए अब नाली बन गई, तो जगह मिल गई, तो तभी अब अकुल्या को ये काम करते हुए जब देखती है मलाशिया, तो मलाशिया भी क्या करती है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा मलाशिया भी अकुल्या के साथ में मिलकर वो नाला खोदने मतलब वो जमीन को खोदने लगती है। द वाटर फ्रॉम द पडल रैन स्ट्रीमिंग इन टू द स्ट्रीट। मलाशिया थ्रू द चिप ऑफ वुड इन टू द स्ट्रीम। द लिटिल गर्ल्स वॉच द चिप फ्लोटिंग अलोंग इन देयर लिटिल स्ट्रीम। दे clapped and cheered with joy. अब जब वो चैनल बन गया, छोटी सी नाली जैसा पानी बहने के लिए रास्ता बन गया, तो उसके बाद में जो पडल में जमा हुआ पानी है वो पानी बहने लगता है रास्ते के पास, और तभी मलाशिया क्या करती है, अपनी जो चीप है वो उस नाली में क्या करती है, फेंक देती है, थ्रो करती है, तो दोनों लड़कियां मलाशिया और अकुल्या जो है वो देखते हैं कि क्या चीज देखते हैं कि उनके जो मलाशिया की फेंकी हुई चीप है, जो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है, वो टुकड़े को बहते हुए देखती है वो छोटे से उनके बनाए हुए नाले से, और दोनों तालियां बजाते हैं, क्लैप करते हैं, स्ट्रीम मतलब बहना, तो जो बहाव है बहाव में फेंकने के बाद जो पीस है वो लकड़ी का टुकड़ा भी चीप जो है वो भी बहने लगती है, और दोनों भी क्लैप करते हैं, तालियां बजाते हैं, और खुशी से चीयर करने लगते हैं, खुशियां मनाते हैं। तभी अकुल्या क्या बोलती है, कैच इट मलाशिया, कैच इट, क्या बोलती है मलाशिया को, कि उसको पकड़ो मलाशिया पकड़ो।
they ran laughing along the stream and forgot their quarrel. तो देखिए क्या हुआ, एक्चुअली स्टार्ट किससे हुआ झगड़ा, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मलाशा और अकुल्या जब दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे, मलाशा ने उस गंदे पानी में पैर डाला था, अकुल्या के ड्रेस पर वो पानी उछला हुआ था, और झगड़ा किसका हुआ, उनकी मम्मियों का। पर जो मेन थे अकुल्या और मलाशा वो अपना झगड़ा भूल गए, अपने मम्मियों का भी झगड़ा भूल गए एक तरीके से देखा जाए तो, और वो क्या करने लगे, हंसने लगे एक साथ मिलकर। तब वो जो ओल्ड लेडी है, वो ओल्ड लेडी कौन थी, अकुल्या या मलाशा में से एक की ग्रैंड मदर थी, दादी थी, ठीक है। ये किसकी दादी थी, आई थिंक अकुल्या की दादी थी, क्योंकि जो ड्रेस है, ड्रेस से तो ऐसा ही दिखता है कि ये अकुल्या की दादी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या बोले, देखो उन्होंने फिर बोले, यू आर फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज लिटिल गर्ल्स, लुक एट देम, दे देमसेल्फ हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट। बोले तुम दोनों, जो अकुल्या की मम्मी और मलाशा की मम्मी को बोले उन्होंने, बोले तुम दोनों इन लड़कियों के लिए या इन लड़कियों के वजह से तुम क्या कर रहे थे, झगड़ रहे थे। तो बोले लड़ रहे थे, पर बोले उनके तरफ देखो, वो तो खुद जो झगड़े के, तुम जिनके लिए झगड़ रहे हो या लड़ रहे हो, वो खुद अपना झगड़ा भूल कर वो क्या कर रहे हैं, अब उनका झगड़ा भी नहीं था एक्चुअली देखा जाए तो, वो जो है सब कुछ बातें भूल कर वो क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ भूल के एक साथ खेल रहे हैं, एक साथ खुशियां मना रहे हैं। तो बोले तुमने क्या करना चाहिए, तुमने उनसे सीखना चाहिए, वो तुमसे ज्यादा होशियार है, पर फिर भी बोले वो जो दो लड़कियां है वो तुमसे, मतलब तुम बड़े हो उसके बावजूद वो छोटे छोटे जो बच्चे है वो तुमसे ज्यादा होशियार है। तो द मदर्स लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स एंड फेल्ट अशेम्ड, एवरीवन एग्रीड लिटिल चिल्ड्रेन आर इनडीड वाइजर देन एडल्ट्स। तो फिर वो जो दोनों मम्मियां हैं, दोनों जो है उनको, उन्होंने छोटे बच्चियों की तरफ, वो दोनों अकुल्या और मलाशा की मम्मी ने अकुल्या और मलाशा की तरफ देखे, उसके बाद में उनको खुद पर ही थोड़ी सी क्या बोलेंगे अशेम हुए, खुद पर ही थोड़ी सी उनको शर्म आई कि भाई नहीं, हम एक्चुअली बड़े होकर झगड़ रहे हैं और ये जो छोटी बच्चे हम जिनकी वजह से जिनका नाम लेकर हम झगड़ रहे हैं वो स्वयं झगड़ा भूलकर खुशियां मना रहे हैं। तो फिर सभी ने ये बात स्वीकार की है या मान ली है कि लिटिल चिल्ड्रेन आर इंडीड वाइजर देन अडल्ट्स, मतलब सिर्फ मेरी है, मेन बोल दिए तो क्या हो जाएगा, मेन बोले तो सिर्फ आदमी, मतलब जो जेंडर वाली एक चीज आ जाती है कि सिर्फ पुरुष या सिर्फ आदमी, तो वैसा नहीं होना चाहिए करके फिर लोग सभी ने क्या बोले, लिटिल चिल्ड्रेन मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो सच में वाइजर मतलब होशियार है, ज्यादा होशियार है किससे, अडल्ट से। अडल्ट मतलब आप जानते हैं, अडल्ट मतलब वयस्क या बड़े लोग, प्रौढ़ लोग, मतलब इसमें अडल्ट बोल दिए तो मेल और फीमेल दोनों आ गए। तो ये थी ब्रूटल स्टोरी। ये स्टोरी कहाँ से ली हुई है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया, लियो टॉल्स्टॉय की लिटिल चिल्ड्रेन वाइजर देन मेन नाम की बुक है। एक्चुअल अगर आपने इस वीडियो का थंबनेल अगर आप देखेंगे तो उसमें एक बुक का जो पोस्टर भी है, बुक का कवर, तो उसमें आपको दिखेगा लिटिल गर्ल्स आर वाइजर देन मेन, ऐसा कुछ तो भी टाइटल है। तो उन्होंने गर्ल्स लिखे थे या बच्चे लिखे थे जो भी है, तो उस बुक से ये बुक, ये जो स्टोरी है ये ली हुई है। लियो टॉल्स्टॉय जो राइटर है उनके बारे में, उनकी पिक तो हमने पिछले वाली वो थंबनेल में भी आपको दिखेगी, पिछली एक वीडियो में भी मैंने दिखाया था, पहली वाली वीडियो में इस चैप्टर के, तो आज से आप देख लेंगे। और जो इंट्रोडक्शन है राइटर का वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लियो टॉल्स्टॉय जो राइटर है बहुत बड़े राइटर है, और उनकी एक जो बुक है बहुत ज्यादा फेमस बुक है, वो है वार एंड पीस, युद्ध और शांति। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, लियो टॉल्स्टॉय वो ऑथर में से है जिनको महात्मा गांधी क्या करते थे, अपने एक तरीके से इनकी बुक वार एंड पीस से वो भी इन्फ्लुएंस है, प्रभावित थे। तो ये टोटल स्टोरी है, आपके लिए होमवर्क है, ये वर्ड्स जैसे पिछले बार की तरह ही वर्ड्स लिखने ही है, और इसके अलावा इस बार थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा है। क्या होमवर्क है देखना, चैप्टर जो ये चैप्टर है ये आपको पढ़ना है, उसके अलावा ये वर्ड्स तो लिखने ही है, और एक काम है जो, क्योंकि हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, चैप्टर मतलब एक्सप्लेनेशन फिनिश हो चुका है, चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। तो अब आपको आंसर ओरली में दो क्वेश्चन है पेज नंबर 13 पर, वो आप मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ। In which season do you think the story was set? किस सीजन में ये स्टोरी लिखी गई है ऐसा आपको लगता है? तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा उनका ड्रेस वगैरह देखने के बाद, ठीक है, वो आपको लिखना है। Why did the girls wear new clothes? लड़कियों ने नया ड्रेस क्यों पहना था? ऑब्वियसली इसका भी आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, तो ये आपको
लिखना है, हमने स्टोरी में भी पढ़नी है कि वो क्यों नए एड्रेस पहने थे, ठीक है। ये यहाँ पे ओरली में बोला गया है, पर आपको ये राइट करना है क्योंकि अभी हम स्कूल में तो है नहीं करके। एमसीक्यू जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चार क्वेश्चन है, ये भी आपको टिक करने हैं, ये भी कम्प्लीट करने हैं। और मतलब ये दो हो गए, रीड चैप्टर वन हो गया, राइट मीनिंग भी हो गए, ये लिखना है मैंने बताया। सॉल्व क्वेश्चन, आंसर ओरली, आंसर ओरली मतलब वही हो गया दो क्वेश्चन। एमसीक्यू बता दिया मैंने, टिक द करेक्ट आंसर वाले है। और टी और एफ कहाँ से मिलेगा आपको, रीड एंड आंसर में जो पहला क्वेश्चन है वहां पे कुल फाइव क्वेश्चन है, मतलब सब क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स वाले, वो आपको सॉल्व करना है। करेक्ट आंसर क्या है वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आपको ग्रुप पर नोट्स मिल जाएगी, या फिर हम अगर आगे इस चैप्टर पर सपोज अगर वीडियो बनाते हैं तो उसमें आपको आंसर बता देंगे कि ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के आंसर क्या है। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।